कोरोना पई जुलाई रे हेबाकु थिबा सीबीएसई परीक्षा बातिल जुलाई 1 रु 15 मध्ये रे हेबाकु थिबा दशम ओ द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल होछि एहा परिवर्तन एक विकल्प व्यवस्था करिछि सीबीएसई पूर्व परीक्षा गुडी करे थिबा छात्र छात्रिन को प्रदर्शन भितरे मूल्यांकन हेबो जुलाई 15 तारीख रे एनै फलाफल घोषणा करा जिवो जदि कोनोसी छात्र छात्री मूल्यांकन को नै संतुष्ट नथांती तबे सेमाने स्थिति सुधरिला परे छात्र छात्री चाहिले बोर्ड परीक्षा दे परिबे एहा केवल युक्त दुई छात्र छात्रिन को पई उद्दिष्ट थिला बेले दशम श्रेणी पिलां को पई कोनोसी विकल्प नै सही परी आईसीएसई पक्षरु मध्य दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल कर दिया जाए तबे आईसीएसई पक्षरु पिलामानन को लागि कोनोसी विकल्प व्यवस्था करा जाय नै जहाँ सीबीएसई गोटे बहुत भल डिसीजन नहीं आम जानू जे सीबीएसई डेफिनेटली गोटे भल मोडालीटी आमको सजेसन करेंगे जे जो माने परीक्षा देचंती या देबे ट्वेल्थ रे आउ जो माने परीक्षा नदे इंटरनल रे या जो भी मोडालीटी रे से मानकु दिया जिवो असेसमेंट मार्क दिया जिवो दुईटा को से नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली करेंगे सो दैट पिलांकर जो फ्यूचर रे जो यूनिवर्सिटी रे जेमिति इंपैक्ट न आसे तो एबे गाइडलाइन अनुसार हम हमर करिबु आ पिला माने एक्चुअली ए प्लस 2 पर 10th रे एक्चुअली प्राय सब परीक्षा हे जाय छै खाली गोटे परीक्षा कंप्यूटर साइंस तो तांकर बहुत रिजल्ट बाहर जेबा को किछ असुविधा होनी खाली प्लस 2 रो तो एंट्रेंस ओरिएंटेड समस्त प्राय एंट्रेंस रे एंट्रेंस देके सवन जो गोटे यूनिवर्सिटी की कॉलेज जानती आ सेटा प्राय हम देखु छु किछ छुआ कोविड संक्रमण को देखि सुप्रीम कोर्ट रे परीक्षा बातिल नै आवेदन करा जैतला सुप्रीम कोर्ट को जणिकिया खंडपीठ सुनानी करी एही निर्देश देछंती कोविड 19 संक्रमण जोगो हितबा लॉकडाउन पै मार्च रे स्थगित तिबा परीक्षा एप्रिल रे करबाकू सीबीएसई पक्षरु घोषणा करा जैतला एहा परे जुलाई 1 रु 15 मध्ये परीक्षा करबाकू स्थिर करथला सीबीएसई ब्यूरो रिपोर्ट द आर्गस डॉट इन